हीरो की मैवरिक 440 जो कि ये अपने पास आ चुकी है भाई, टॉप एंड एंड वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल वॉकआउट। सबसे पहले भी बात करते हैं इसकी मॉडल एंड डिज़ाइन। तो इसमें भाई आपको तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की, बेस मॉडल की, तो उसमें आपको मिल जाती है वाइट कलर के साथ आती है, एक ही कलर मिल जाएगा। बेस वेरिएंट अगर लोगे केवल वाइट का मिलेगा। अगर आप मिड वेरिएंट लोगे तो आपको ये बगल में देख सकते हो रेड वाली है, इसमें आपको एक मिल जाती है ब्लू वाली, लेकिन ये अपने पास है टॉप एंड वेरिएंट। तो ये अपना ग्लॉसी ब्लैक आती है, एक आती है मैट ब्लैक के साथ। तो कलर कॉम्बिनेशन की सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस की सुनो भाई, ये जो प्राइस है इसका 272,000 ऑन रोड मिल जाएगा मूसाराम प्रीमिया के शोरूम पे। अब बात करते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करो, डिज़ाइन देख लो भाई, गजब का लुक आपको मिल जाता है इस बाइक के साथ। फुली LED लाइट सेटअप आप देख पाओगे और इसमें डेडिकेटली 1000 के बटन सब कुछ आपको मिल जाती हैं। यहाँ से यहाँ पे LED इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल के साथ आपको मिलते हैं। टायर मड क्लैप फुल्ली आपको मेटल मिलते हैं। और बाकी डिस्क साइज की बात करोगे तो 320mm का डिस्क मिल जाते हैं फ्रंट में, बाइबर का कैलिपर, डुअल चेन ABS इनके बेस मॉडल से ही आते हैं, अच्छी बात है। टायर साइज देखोगे 110/70/R17 का टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस के साथ ADL टायर, 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सॉरी अपसाइड डाउन फोर्क नहीं। और यहाँ से मैं बात करूँ यहाँ पे देखोगे इसकी लेंथ की, तो 2100mm इस गाड़ी का फुल्ली लेंथ आएगा, तो अच्छी खासी लेंथ भी इस बाइक के साथ मिल जाती है। इंजन की बात करोगे तो आपको मिल जाते हैं 440cc का सिंगल सिलेंडर, तो ये आपको मिल जाती है। बाकी इसमें एयर प्लस ऑयल कूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यहाँ पे ऑयल कूलर लगा हुआ आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो बाइक है पावर प्रोड्यूस करता है 27 BHP का पावर, टॉर्क की बात करो 36 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो एग्जॉस्ट यहाँ से साफ की तरह यहाँ निकला है, और इसका भाई साउंड काफ़ी तगड़ा, अभी मैं साउंड सुना के दिखाता हूँ इसका साउंड कैसा रहा वो आप देख पाओगे। टायर साइज दिखाओ तो यहाँ पे 150cc काफ़ी वाइड टायर आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी 240mm का डिस्क मिल जाएगा, स्विंग आर्म कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं। या रियर से आपको एक प्रॉपर फील आएगा, अच्छी वाली लुक, या सेफ्टी लाइट मिल जाती हैं, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी टायर मतलब काफ़ी वाइड आपको मिलते हैं। राइट लेफ्ट साइड से दिखाओ, यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटरेस्ट आपको सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पे इसके सीट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ के बटन मिल जाते हैं, जो यहाँ पे आप दिखाओ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइबर का चैन सेट कवर मिल जाएगा जो कि आप देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलता है भाई ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइड स्टैंड इंजन कटाओ, मिडिल स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, बट इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हो आफ्टर मार्केट। 6-speed गेयरबॉक्स मिल जाते हैं, ये इनका इंजन है। इंजन भी आप देखोगे काफ़ी इस तरीके से आपको देखोगे डिज़ाइन की गई है अच्छी क्वालिटी की। और यहाँ पे आप देखोगे इनका ये टैंक मैवरिक 440 का आपको टैंक मिल जाता है। टैंक काउल की बात करें तो ये भी आपको फाइबर मिलते हैं, हीरो का आपको यहाँ पे बैथ मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फाइबर आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, रगड़ वाली फेस मिल जाती है। तो इस का टैंक जो है ये आपको 13.5 लीटर का टैंक मिल जाता है, सिंगल टच में आप करोगे ऐसे करोगे आप बंद हो जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है E20 पेट्रोल का सपोर्ट भी करता है। बाकी इसकी की देखोगे तो हीरो का आपको लोगो मिल जाएगा वेव की के साथ, और यहाँ पे इसको लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। यहाँ पे ये देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके मीटर में मिल जाती है, चाहे आप देखोगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, टाइमिंग, ऑडोमीटर, साइड स्टैंड, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ से। और ये देखोगे तो आपको 1000 का बटन, इंजन किल स्विच, SOS के बटन मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आपको कोई अलर्ट सिस्टम आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ से मैसेज डाल सकते हो। बाकी ये अपना देखोगे फुली सिंगल हैंडल बार है, आप देखो काफ़ी लंबी हैंडल बार है। यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न, यहाँ पे पास लाइट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से। क्लच काफ़ी लाइट वेट है, और ORVM मतलब मिरर देख सकते हो भाई, राउंड सर्कल के साथ मिरर आते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ इनके सीट की, सीट की क्वालिटी देखोगे लेदर है, पॉलिश सीट आपको मिल जाती है, यहाँ से सॉफ्ट आपको सीट मिल जाती हैं। यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ कि इसको कंफर्ट कैसा आता है, लुक कैसा आता है, वो आप जज कर लेना अपने हिसाब से कि आप लोगों के लिए कैसा लुक आएगा। मेरी जो हाइट है 5.8 फीट की है, उस हिसाब से इसका भाई पैर फुली पहुँच रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 फीट का बंदा इजीली से चला सकता है, नो डाउट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी का वेट की बात करें, अरे भाई इतना वेट है कि 191 मतलब 9 kg कम नहीं तो 200 किलो का इसका वेट है, तो वेट भी काफ़ी हैवी है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी हैंडल तो कर लोगे यार। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस 175mm का इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है।
तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक इन्वेंट की बात कर लिया, प्राइस भी बता दिया, माइलेज की बात करें तो 30-35 का माइलेज मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें 160 तक का इसका टॉप स्पीड इस बाइक के साथ आप मिल जाएगा भाई इजीली से। ओवरऑल ये था हमारे पास हीरो की मैवरिक 440। आप लोग बताना कि ये गाड़ी कैसी लगी, ये ब्लैक कलर कैसा लगा। अगर बात करें मेरी पर्सनल चॉइस की, तो ब्लैक कलर काफ़ी लोगों को पसंदीदा होता है, कुछ लोग को रेड वाली है, कुछ लोग की वाइट वाली है। तो आपको सारे कलेक्शन एक बार दिखा दो भाई पीछे से, इनके कुछ अलग अलग मॉडल में मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, कलर चॉइस आपको इनके कुछ ही मॉडल में आपको देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ये मिड वेरिएंट में दो मॉडल मिलेंगे, रेड और ब्लू। बेस मॉडल में केवल वाइट मिलेगा और टॉप एंड वेरिएंट में आपको केवल ये मैट ब्लैक मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको चूज करना है। यही था मेरा पॉइंट इस वीडियो में। आप लोग बताना ये गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना भाई।